इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाएं, अच्छा सीख पाएं, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे, तो हमसे जुड़ना ना भूलें एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इडियम्स को। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की डेडिकेटेड क्लास है। चल, विल ऑफ द विस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको लगता है लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, will of the wish, will of the wish का मतलब something which is imaginary, which is unreal, does not exist in reality। ठीक, ये इसका मतलब होता है। अब हमें ये दिए गए ऑप्शन में से आंसर बताना है। Anything which eludes or deceives, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चकमा दे या धोखा दे, मतलब जो नकली हो। To act in a childish way, to have desires but unwilling to put in efforts, to act in a foolish way, ये आंसर। Will of the wish का मतलब something which is unreal, something imaginary that does not exist in reality। मिराज वर्ड तो सबने सुना ही होगा ना। ठीक है, जैसे गर्मियों में आप सड़क पर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे आगे पानी भरा है। ठीक है, ऐसा लगता है ना, फिर पानी होता है? कहीं नहीं होता पानी वानी। ठीक है, कुछ पानी वानी नहीं होता। होता क्या फिर? हाँ, क्या होता है? वही हीट वेव्स होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो आंसर ही आ गया। अगला देखो, टू टॉक थ्रू वन्स हैट। टू टॉक थ्रू वन्स हैट का मतलब है मतलब की बात करना, बिना सिर पैर के बात करना। टू टॉक थ्रू वन्स हैट का मतलब, वन्स हैट का मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस, बे मतलब की इधर उधर की बात करना। ठीक है, आंसर देखो क्या दे रखे हैं। टू टॉक फ्लुएंटली, तेजी से बात करना। टू टॉक फूलिशली, टू टॉक वाइजली, टू टॉक एट रैंडम, टू टॉक फूलिशली। To talk through one's hat। अगला देखो, To fly off at a tangent। ठीक है, To fly, हाँ, off at a tangent। मेन मुद्दे से थोड़ा दूर निकल जाना, मेन मुद्दा जो है उससे भटक जाना, उससे इधर उधर की बात शुरू कर देना। ठीक, अब ऑप्शन देखो मैं क्या क्या दे रखे हैं। टू गेट कैरिड अवे। ठीक है, कैरिड अवे का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, भावनाओं में बह जाना। ठीक है, बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना। टू स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलेवेंट, कुछ इरेलेवेंट डिस्कशन शुरू कर देना। टू लूज टेंपर इजिली, बड़ी जल्दी से गुस्सा हो जाना। टू अवॉइड द मेन क्राइसिस ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, मेन क्राइसिस को ऑल ऑफ सडन अवॉइड कर देना, जो मेन समस्या है उसको अचानक से अवॉइड कर देना, उसको टाल देना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, to start discussing something irrelevant। Actual में इसका मतलब ये भी हो सकता है to avoid the main point। अब यहाँ पे crisis लिखा, crisis का मतलब संकट होता है, अगर यहाँ पे point लिखा होता ना तो ये भी answer हो सकता था। चलो अभी का हमारा answer वही। अगला देखो, keep the wool from the door। keep the wool from the door का मतलब होता है मुसीबत से बच के रहना। wolf का मतलब आप मान सकते हो starving, भुखमरी। ठीक है,
और डोर का मतलब हो गया आपका घर, ठीक। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, किसी तरीके से सस्टेन करना, किसी न किसी तरीके से कैसे न कैसे मतलब मैनेज करके जिंदा रहना, टू स्टार मतलब टू अवॉइड स्टार्विंग। अब देखो, टू हैव एनफ मनी टू अवॉइड स्टारवेशन, यही आंसर है, यही आंसर है ए, लेकिन फिर भी अगले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू हैव सफिशियंट मीन्स टू पे वंस क्रेडिटर्स, टू सस्पेक्ट डेंजर, टू कीप द अनसोशल एलिमेंट्स एट बे। नहीं, बहुत सा बच्चा सोचता है कि जो गैर सामाजिक लोग हैं उनसे दूर रहना, नहीं। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से कैसे न कैसे खुद को बचा के रखना, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना। अगला देखो, टू बी द बीज नीज, बीज नीज होना, ये इडियम जो होता है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत हाई क्वालिटी की हो, कोई ऐसी चीज जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, सुपीरियर क्वालिटी की चीज हो, कुछ भी ऐसा, तो उसको कहते हैं इट इज द बीज नीज। तो टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड ना, टू बी एक्सीलेंट ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड, यस यही होगा, लेकिन फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। पढ़ा सारे करो, खूब पता हो कि जैसे हमने देखो, हमें यहाँ पे पता था कि हमारा ऑप्शन ये है, हमें पता था कि कीप द वूल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू हैव एनफ मनी टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ऑप्शन सारे पढ़े ना। तो ये आदत तुम्हें अपने भी डालनी है। अभी बच्चा क्या करता है, उसने देखा कि भाई इडियम का मीनिंग हमें पता है, ये मीनिंग यहाँ पे लिखा है, तो उसने वही ऑप्शन टिक मार दिया। अरे भाई कितना टाइम लगेगा, बाकी भी पढ़ लो, हमें पता है कि वो बाकी जो है वो आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेने में क्या बुराई है, पढ़ लो। ऐसे क्या होता है कि हमारा जो परसेंटेज होता है ना, वो गलतियों का कम हो जाता है। मान लो 100 में से एक बार अगर हम तुक्का मारते हैं, तो एक बार भी खत्म हो गया, जब हम पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो हमसे तुक्के लगेंगे नहीं। वैसे क्या होता है कि हम अगर पढ़ लेते तो पता चलता कोई दूसरा ऑप्शन बेहतर था, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ने की आदत डालो, खूब पता है कि आंसर यही है, लेकिन फिर भी पढ़ लो अगला। टू बी एक्सट्रीमली क्विक, टू बी एन एवरेज स्टैंडर्ड, गलत, ये रहा बीज नीज। बियॉन्ड समवंस कैन, कैन का मतलब नॉलेज होता है, कैन जो वर्ड होता है ना, के फॉर नॉलेज, अब मुझे लगता है इस इडियम का मतलब कोई भी बता सकता है। बियॉन्ड वंस कैन, बियॉन्ड वंस कैन का मतलब कुछ ऐसा जो हमारी नॉलेज से परे का है, मतलब हमारी उतनी जानकारी नहीं है, हमारा उतना ज्ञान नहीं है, वो उससे भी परे की बात है, ठीक है। नॉट विद इन समवंस मींस बियॉन्ड समवंस रिलेशंस, नॉट विद इन द रेंज ऑफ समवंस नॉलेज, बियॉन्ड समवंस रीच, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। तो अगर बच्चे को ये पता कैन का मतलब क्या है, तो वो इस इडियम का तुरंत आंसर बता देगा, ठीक है। अगला देखो, बैरी द हैचेट, बैरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, बैरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, सुलह समझौता करना, एक मिनट बच्चों, बैरी द हैचेट का मतलब होता है सुलह समझौता करना, ठीक है, झगड़ा खत्म कर लेना। मान लो हमारा किसी के साथ में कोई झगड़ा चल रहा है, दुश्मनी चल रही है, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि हम बैठ के आपस में अपना जो झगड़ा है उसको खत्म करें, कहें चलो भाई गले लगो, ठीक है, और मिट्टी पाओ, ठीक, तो उसको कहते हैं बरी द हैचेट। हैचेट क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी सी होती थी, दोनों तरफ धार सी होती थी, उसको लड़ाई में यूज करते हैं, ठीक है, उसको हैचेट कहते हैं। बैरी कर देना हैचेट को मतलब हमने युद्ध अपना बंद कर दिया, झगड़ा खत्म कर लिया, सुलह समझौता कर लिया, इसको कहते हैं बैरिंग द हैचेट। तो बैरी द हैचेट का मतलब हो गया टू मेक पीस, ठीक। आगे जाओ, टू एंड द क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशंस विद एन ओल्ड फ्रेंड ना, टू बैरी अ कॉर्प्स इलीगली ना, टू एंड अ क्वारल और कंफ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, यस, फिर भी लास्ट पढ़ लेते हैं, टू कंक्लूड अ डील इन अ सीक्रेट मैनर ना, टू एंड अ क्वारल और कंफ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, टू बी द कैट्स विस्कर्स, टू बी ऑब्सेसन, टू बी बर्ड्स देन एनीवन एल्स, टू बी एज लेजी अ कैट, टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स। विस्कर्स समझते हैं, विस्कर्स का मतलब किसको पता है, कैट के जो विस्कर्स होते हैं ना, जो कैट की जो मूछे होती हैं, ठीक है, मूछे तो नहीं होती बट उसी में बाल होते हैं मूछों की जगह पे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हें विस्कर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में तो क्या ही कहते होंगे, देख लेना। टू बी द कैट्स विस्कर्स, उसका मतलब क्या हुआ, इडियम है ये, इडियम कैट्स विस्कर्स का मतलब हुआ कुछ दिखावटी सजावटी,
बिल्ली की जो मूछें होती हैं वो किसी काम आती हैं क्या? बिल्ली की जो मूछें होती हैं, बिल्ली के जो मूछ के बाल होते हैं, उनका उसका लुक बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम होता है? नहीं, इसका आंसर है डी, टू बी द कैट्स विस्कर। टू बी ऑस्टेंटेशियस का मतलब तो दिखावटी हो गया, पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, थिंग के लिए नहीं यूज किया जाएगा। इसका मतलब है टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स, मतलब मूछ का बाल होना कह लो आप ऐसे, ठीक है, तो मतलब बाकियों से बेहतर होना। टू बी कैट्स विस्कर्स का मतलब हो गया कि बाकी सारी चीजों से अच्छा होना। मान लीजिए हमारे पास चार पांच ऑप्शन है, ठीक है, और उनमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सारे ऑप्शंस के मुकाबले बेहतर है, तो उसको हम कहते हैं इट इज कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स का मतलब बाकी सब में बेस्ट, ठीक है, जो बाकी सबसे अच्छा हो। अगला देखिए, ही सैट फॉर अ मोमेंट च्यूइंग द कर्ड बिफोर ही स्पोक, ठीक है, कि वो थोड़े समय के लिए, फॉर अ मोमेंट का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो बैठा, च्यूइंग द कर्ड बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले वो क्या कर रहा था, च्यूइंग द कर्ड। अब च्यूइंग द कर्ड का मतलब हमें बताना है, बताओ च्यूइंग द कर्ड का मतलब क्या बताएं? टू कर्स वन फॉर वंस टाइट सिचुएशन, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, टू डाइजेस्ट द इंसल्ट, टू गेट ओवर द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता कि एक जो कड़ वर्ड है इसका मतलब क्या है? क्या तुम में से कोई बच्चा कड़ का मीनिंग बता सकता है? ठीक है, कड़ का मतलब क्या होता है? कड़ का मतलब होता है जुगाली, ठीक है। हाँ, कड़ का मतलब, एक बच्चा है वो तुक्के मार रहा है, उसके कुछ तुक्के सही जा रहे हैं, कुछ तुक्के गलत जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो सारे समझ जाएंगे। एक वर्ड होता है आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, नहीं पढ़ा है तो आज सीखो, रूमिनेंट। रूमिनेंट हम कहते हैं एनिमल्स दैट कड, ठीक है। रूमिनेंट्स कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को जो जुगाली करते हैं। कड़ का मतलब जुगाली भी होता है, कड़ का मतलब जुगाली करना भी होता है, ठीक। जैसे गाय है, भैंस हैं, वो रुमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो पहले चारा खा लेते हैं, ठीक है, र्यूमर्स नहीं रुमिनेंट्स, बेवकूफ। वो क्या करते हैं कि पहले उन्होंने चारा खा लिया, ठीक है, उसको वो रोक लेते हैं, अंदर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में वो उनके स्टोर रहता है। जैसे वो बरसीम वगैरह खा लिया, उन्होंने चारा जो भी खा लिया वो उनके जमा है पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी नहीं गया। फिर वो क्या कहते हैं उसको बाद में बाहर, हाँ मेस्टिगेशन, एग्जैक्टली। फिर वो उसको बाहर निकालते हैं जब फुर्सत में बैठे होते हैं, और फिर उसको जुगाली कर करके मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में, चैम्बर में लेके जाते हैं। इसको कहते हैं कटिंग, जुगाली करना। च्यू द कड़ का मतलब होता है, अब जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस बकरी वगैरह होती है, बकरी तो नहीं, गाय भैंस वगैरह जो होती है जो कड़ करती है, तो एकदम से ध्यान की मुद्रा में बैठी होती है, एकदम शांत से आंखें बंद और अपना जुगाली चल रही है। तो च्यूइंग द कड़ का मतलब यही होता है, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई और ध्यान से सोचना, विचार करना। च्यू द कड़, च्यू का मतलब चबाना, कड़ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। टू कर्स वन फॉर वन टाइट सिचुएशन, ना। टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, हाँ, लेकिन फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। टू डाइजेस्ट द इंसल्ट, ना। टू गेट ओवर द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ना। ये आंसर, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत धीरे धीरे और बारीकी से सोचना। डॉग डेज, डॉग डेज का मतलब क्या होता है? डॉग डेज बताओ भाई, डॉग डेज मतलब क्या होता है? ये तो कॉमन इडियम है, ज्यादातर लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डॉग डेज होते हैं बच्चे सबसे गर्मी के दिन, एक बच्चा कह रहा है अनलकी डेज, नहीं तुक्का मार रहे तुम लोग। डॉग डेज का मतलब होता है द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, ठीक है, जो सबसे भयंकर गर्मी के दिन होते हैं उन्हें डॉग डेज कहते हैं। चलो अगला देखो, डाइड इन द वूल। अब हमें डाइड इन द वूल जो इडियम है इसका मतलब बताना है कि भाई इसका मतलब क्या है। डाइड इन द वूल का मतलब होता है पक्का कलर चढ़ जाना किसी पे, ठीक है। हाँ, डाइड इन द वूल का मतलब हो जाना एकदम से पक्का हो जाना कि भाई अभी बदलेगा नहीं, ठीक है, पक्का रंग चढ़ गया इसके ऊपर। अभी जो मैंने आपको हिंदी में मीनिंग बताया डाइड इन द वूल इडियम का,
देखो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो मीनिंग कन्वे कर सकता है जिसको हम टिक मार दें कि हमारा आंसर है सी, ठीक है। अनचेंजिंग इन अ पर्टिकुलर बिलीफ और ओपिनियन। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई जैसे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया या कोई मतलब मंडली ज्वाइन कर ली, तो उस मंडली को लेकर इतने समर्पित हो जाते हैं कि मतलब उसके खिलाफ वो कुछ सुनना ही समझना नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अनचेंजिंग इन पर्टिकुलर बिलीफ और रिलीजन ही आंसर हो गया। ओपिनियन, टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है, टू गेट, ठीक है, आउट ऑफ द बेड, टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। दिन की शुरुआती भयंकर होना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि दिन की शुरुआत में ही कुछ खराब हो जाना, शुरू से ही मूड खराब हो जाना। टू स्टार्ट, टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, टू स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड, ठीक है। एक मैं इडियम ऐसे तुम लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को मीनिंग पता हो तो बताए। टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये एक idiom मैंने लिखा है, इसका मतलब लोग बताएं, सभी पढ़ें और बताएं। टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नहीं, इसका मतलब होता है टू मेक एन इंप्रेसिव स्टार्ट, टू मेक एन इंप्रेसिव स्टार्ट। बहुत अच्छी शुरुआत करना, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि बहुत अच्छी शुरुआत करना है, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, उसका मैच में डेब्यू हुआ और पहली मैच में जाके उसने डबल सेंचुरी मार दी, तो ही हैज पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है, बहुत इंप्रेसिव शुरुआत करना। बात समझ आ रही है? पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना बहुत अच्छी, इंप्रेसिव, कि लोगों में अच्छा इंप्रेशन जाए, वो होता है ना, क्या नाम, हाँ, जैसे SSV जायसवाल का देखो, डेब्यू मैच में उसने 176-177 कितने रन मार दिए थे, 150 से तो ज्यादा बना दिए थे ना। तो SSV जायसवाल को देखो, उसको डेब्यू मैच में उसने कितने रन मार दिए, तो ही हैज पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो शुरुआत में बड़ा इंप्रेसिव तरीके से काम करना। अगला देखो, टू गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है, टू गेट द रॉन्ग एंड ऑफ समथिंग, ये आप सीधे मीनिंग से भी समझ सकते हैं कि किसी बात को गलत समझ लेना। गेट का मतलब होता है रिसीव करना, समझना। डिड यू गेट मी? नो, आई कुड नॉट। टू गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक का मतलब होता है कि गलत साइड से कोई काम शुरू कर देना, ठीक है, तो मतलब बात को समझ नहीं पाना, मिसअंडरस्टैंड कर जाना। हाँ नहीं, 180 तो नहीं बनाया था इतना, तो मुझे भी पता है 70 में रह गया था, 70s में रह गया था, 74, 75, 76, 77, एक बच्चा 77 बता रहा है, हाँ हो सकता है 177 ही बनाया हो, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद है, 80 नहीं हुए थे ये मुझे पता है, 60 से ज्यादा थे, 70 से ज्यादा थे, 80 से कम थे। डाउट फोन नंबर, तुम लोग कहीं सोए रहते हो क्या बेटा? हाँ, इतनी बार मैंने डाउट नंबर दिया होगा, ये देखो व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप नंबर, डाउट व्हाट्सएप नंबर इंग्लिश के डाउट्स के लिए, एक बार में एक या दो डाउट्स ही भेजें, मतलब एक ही भेजें तो ज्यादा अच्छा है, जब उनका रिप्लाई और रिस्पॉन्स आ जाए तो अगले भेजें, ना आए तब तक इंतजार करें। एक से ज्यादा डाउट्स या दो से ज्यादा डाउट्स भेज दिए तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, रिप्लाई कभी नहीं आएगा। 9999119, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी कोई बात ना करें, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर जी, कैसे हो, फलाना ढिमकाना ना करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। केवल अपना डाउट पूछो, अपना घर जाएं, ठीक है, नहीं तो शरारती बच्चे होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो 9999119 व्हाट्सएप नंबर फॉर डाउट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अगले पे जाते हैं। आई कैन नॉट सी वुड फॉर द ट्रीज, इसका मतलब होता है कि जो मेन मुद्दा है उस पे ध्यान नहीं दे पाना, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाना और जो मेन मुद्दा है उसको ध्यान नहीं देना, इसको कहते हैं नॉट सीइंग वुड फॉर द ट्रीज। तो अब देखो यहां पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, टू कॉन्सेंट्रेट
ऑन द मेन पॉइंट इंस्टेड ऑफ डिटेल्स, टू कंसंट्रेट ऑन डिटेल्स इंस्टेड ऑफ द मेन पॉइंट, यही आंसर है। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। टू फॉरगो बिगर प्रॉफिट फॉर ए स्मॉलर वन, टू इग्नोर समवन इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल, ये आंसर। टू कंसंट्रेट ऑन डिटेल्स इंस्टेड ऑफ द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पे ध्यान न ले जाके डिटेल्स में लटके रह गए। अगला देखो, स्पीक एंड स्पैन, ठीक है, स्पीक एंड स्पैन का मतलब हमें बताना है। स्पीक एंड स्पैन के लिए मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं, इंग्लिश में होता है टाइडी, TIDY। टाइडी का मतलब क्या होता है कोई भी बताए? स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है टाइडी, साफ सुथरा, व्यवस्थित, ठीक है। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है एकदम से नीट एंड क्लीन होना, साफ सुथरा होना और किसी भी चीज का व्यवस्थित होना। तो आंसर है ये, नीट एंड क्लीन, ठीक है। चलो अब एक यहां पे मैं आपसे आइडिया पूछ रहा हूं, सिक्स एंड सेवन, एक ही idiom होता है एट सिक्स एंड सेवन, इसका मतलब बताएं। What does the idiom at sixes and sevens mean? At sixes and sevens, इस idiom का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएं। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डरली होना, ठीक है। इसका मतलब होता है सब कुछ अस्त व्यस्त होना। अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करें तो इसका मतलब कंफ्यूज होता है, ठीक है। टू बी इन केओस और कंफ्यूजन, कुछ भी व्यवस्थित नहीं होना, सब अथला पुथली होना, मतलब उथल पुथल होना। टू बी इन केओस और कंफ्यूजन एट सिक्सेस एंड सेवंस, स्पीक एंड स्पैन का एक तरीके से एंटोनिमी हो गया। अगला देखो, द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ समथिंग। प्रो का मतलब समझते हैं बेनिफिट, कॉन्स का मतलब समझते हैं नेगेटिव पॉइंट। तो प्रोज का मतलब कुछ पॉजिटिव, कॉन्स का मतलब कुछ नेगेटिव। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो गया कि किसी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें, फायदा क्या नुकसान क्या है, नफा एंड नुकसान। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो गया नफा और नुकसान, हानि और लाभ। प्रो का मतलब पॉजिटिव, कौन का मतलब नेगेटिव, ठीक है, घाटा मुनाफा दोनों, ठीक है, उतार चढ़ाव नहीं, ये फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। प्रोज एंड कॉन का मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, उनके कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी होती हैं, उनके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। अगला देखो, एट वंस बैक एंड कॉल, टाइप सी हर जगह मिल जाता है। एंड्रॉइड फोन्स के चार्जर तो मान लो नोकिया का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, शाओमी का हो, सैमसंग का हो, ठीक है, लग जाते हैं एक दूसरे में। आईफोन 15 आ रहा है, उससे वो भी टाइप सी चार्जर लेकर आ रहे हैं, बट कोई दूसरी बदतमीजी ना बना दे, वो पता नहीं है। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, किसी की सेवा में उपलब्ध होना, जब वो चाहे तब। घंटी बजाई बाहर से, आप पहुंच गए, जी मालिक ठंडा जूस ले आओ, चले गए, ठीक है। फिर घंटी बजी बाहर से, जी मालिक ठीक है मोमोज ले आओ, हाँ। तो यहां पे एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब हो गया किसी की सेवा में हाजिर होना हर समय, ठीक। टू अटेंड अ कॉल, टू कंप्लीटली कंप्लाइन टू अनदर पर्सन, टू बी यूजफुल टू समवन, टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ समवन इंपॉर्टेंट, ये आंसर। कंप्लीटली कंप्लाइंट, पूरे तरीके से कंप्लाइंट होना, मतलब कंप्लाइंट का मतलब होता है ओबीडियंट होना, ठीक है, रेडी टू ऑबे, कि जो भी दूसरा कहेगा वो आप उसकी बात मान लोगे। तो ये इसका आंसर हो गया, टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है। इंग्लिश में एक और फ्रेज होती है, इडियम तो पता नहीं उसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, लेकिन उसका भी यही मतलब होता है, टू बी एट वंस डिस्पोजल, टू
टू बी एट वंस डिस्पोजल का मतलब भी यही होता है, ठीक है, कि किसी की सेवा में होना, जो उसने कहा वही करना, ठीक है, उसकी इच्छा से चलना। अगला देखो, टू पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज इडियम का मतलब बताना। टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाना, ठीक है, पे थ्रू नोज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कीमत चुकाना। जैसे लोग होते हैं, तुमने देखा होगा वो शौकीन लोग होते हैं, तो जैसे शराब खरीदते हैं, तो उसमें पता चला 100 साल मतलब 100 साल पुरानी शराब है, तो उसकी बोली लगती है, एमआरपी पे नहीं बिकती वो, उसकी बोली लगती है, एमआरपी उस पर लिखा है $50,000, लेकिन वो 50,000 में बेचेंगे नहीं, वो उसकी बोली लगाएंगे। फिर उसमें शौकीन लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं $75,000, फिर कहते हैं $125,000, ठीक है, ऐसे कुछ करके वो $500,000 में बिक गए, पता चला 10 गुने रेट में बिक गए जितनी एमआरपी थी उसकी। तो शौकीन लोग होते हैं, एक्सपायर नहीं हो जाती बेटा, एक्सपायर नहीं हो जाती है, बहुत पुरानी पुरानी शराब भी बिकती है, 100 साल से पुरानी भी शराबें बिकती हैं और बहुत महंगी बिकती हैं, आम आदमी खरीद नहीं सकता, उसका तो सब रकाब तकाब बिक जाएगा बेचारे का, 2-4 किले होंगे वो सारे बिक जाएंगे उसी चक्कर में, एक बोतल नहीं आएगी। वो शौकीन लोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, जिनके पास मतलब अनाप शनाप पैसा है, वो फिर उन्हें खरीदते हैं। टू पे थ्रू नोज का मतलब टू पे द डेट ऑफ वंस फॉर फादर्स, टू बी वेरी माइजरली, टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, टू स्पेंड मनी सेंसिबली, ये आंसर। अगला देखो, टू रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है गुप्त मैसेज को समझना, जैसे कोड वर्ड में कोई मैसेज भेजा गया, ठीक है, तो जो उस कोड को समझता है वो तो जान जाएगा कि इसका मतलब ये लिखा हुआ है, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, ठीक है, तो वो अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या लेटर के थ्रू मैसेज भेजते हैं तो कोड में लिखते हैं लैंग्वेज, ठीक। हाँ, अब अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो वो शब्द का मतलब ही समझेगा, ठीक है, लेकिन जिस पर्सन के लिए वो इंटेंडेड है उसको कोड पता है तो वो एग्जैक्टली समझ जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, 15 किलो घी भिजवा देना, तो वो समझ जाएगा कि 1 किलो घी का मतलब 1 करोड़ रुपया, 15 किलो घी का मतलब 15 करोड़ रुपया, ठीक है, तो कोड वर्ड हो गया भाई कि हमें 15 किलो घी भेज देना आप, ठीक है, तो इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि हिडन मीनिंग को समझना, लिखा कुछ है लेकिन उसको समझना कुछ है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, टू अप्रिशिएट द सुपरफ्लुअस मीनिंग, टू रिवील द इम्प्लाइड मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड का मतलब हिडन, इम्प्लाइड का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, व्यक्त नहीं किया गया, वो हिडन है, ठीक है, वो आपको समझना है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखो, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, कोई क्योस है, कोई अफरा तफरी है, कोई उधमबाजी है, उसको शांत करना। टू फॉमेंट ट्रबल, फॉमेंट का मतलब भड़काना। टू स्पॉइल समवन्स केयरफुली प्लान्ड प्रोग्राम, टू इंस्टिगेट टू काम अ क्वारल विद सूदिंग वर्ड्स, ये आंसर। टू काम अ क्वारल विद सूदिंग वर्ड्स मतलब कोई क्वारल है, कोई झगड़ा वगड़ा है, उसको शांत करवाना, ठीक है, और इसका एंटोनिम होता है एड फ्यूल टू फायर, इसका एंटोनिम जो होता है ना वो होता है टू एड फ्यूल टू फायर, टू एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता आग में घी डालना, टू एग्रीवेट द सिचुएशन। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है झगड़े का निस्तारण करना, सुलह समझौता करवाना, और टू एड ऑयल टू फ्यूल, टू एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डाल देना, ठीक है, कि पता चला कि नहीं दो लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, लाठी डंडे चल रहे थे, थप्पड़ घूंसा चल रहे थे, ठीक है, हम आए वहां पर और हमने सुलझाने के बजाय कोई ऐसी बात कर दी कि उन्होंने लाठी डंडे किनारे रखे, तलवारें निकाल ली, ठीक है, ठीक हो गया, आग में घी डाल देना। टू पुल स्ट्रिंजेस, टू पुल स्ट्रिंजेस का मतलब होता है अपने प्रभाव का उपयोग करना, आपने जैसे, इसका मतलब क्या होता है कोई बच्चा बता सकता है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है P U P P E T,
इसका मतलब क्या है, क्या कोई बच्चा बता सकता है? मीनिंग फिर से बताइए प्लीज। अबे प्लीज कहकर तो सर जी को इमोशनल कर रहा है। टू पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है बच्चे, कोई झगड़ा वगैरह है, कोई कहा सुनी लोगों की हो रही है, तो उसको शांत करवाना, ठीक है, उसको मतलब शांत करना जिससे कि वो और ना भड़के। टू काम अ क्वरल विद सूदिंग वर्ड्स। अब मैंने पूछा है पपेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बताओ। कठपुतली होता है, बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों को पता है, ठीक है। पपेट वर्ड का मतलब होता है कठपुतली। अब कठपुतली में क्या होता है, आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, ठीक है, टीवी में देखा होगा, ठीक है। भविष्य बताने वाले, धत भविष्य बताने वाले तोता नहीं होता बेटा, पपेट होती कठपुतली। अब देखो भविष्य बताने वाला तोता ये कहां से आ गया, ये इसने कौन सा दिमाग लगाया। अब कठपुतली को आपने देखा होगा क्या होता है, उसके जैसे धागे बंधे होते हैं, धागे होते हैं ना स्ट्रिंजेस, तो धागे बंधे होते हैं, तो जो कठपुतली का खेल दिखाता है वो ऊपर से धागे खींचता है, उसी हिसाब से फिर वो कठपुतली एक्ट करती है। तो पुलिस स्ट्रिंजेस का मतलब यही होता है, जैसे बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं, ठीक है, बहुत प्रभावशाली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इशारों से चीजें चलाते हैं। जैसे कोई बहुत, मान लो बहुत बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी का अध्यक्ष है, पावरफुल पर्सन है, ठीक है, सारे लोग उसके इशारों पे चलते हैं, ठीक, तो वो जैसा इशारा करेगा लोग वैसा ही एक्ट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पुलिंग स्ट्रिंजेस। पुलिंग स्ट्रिंजेस का मतलब होता है अपने प्रभाव का उपयोग करना। अगला देखो डैम स्क्रिप्ट। डैम स्क्रिप्ट का मतलब होता है टोटल फेलियर, ठीक है, कुछ ऐसा जो मतलब बिल्कुल फेल ही हो जाए, कुछ रिजल्ट ना आए, सब बेकार जाए। A lesser known literary work, ना, a well known work of art, ना, a situation which is much less impressive than expected, यही कि मतलब जितना हमने सोचा हो उससे खराब। हमने सोचा हमारी टीम पहले बैटिंग करेगी, 2020 में टॉस जीत गए तो ये बनाएंगे 220 रन, 230 रन का स्कोर बनाएंगे। अब पता चला कि वहां पर वो खेलने गए और 40-45 रन पे ऑल आउट हो गए, तो ये डैम स्क्रिप्ट हो गया। डैम स्क्रिप्ट का मतलब हमने सोचा क्या था और बना क्या, ठीक है, तो हमने एक्सपेक्टेशन कुछ रखी लेकिन जो रिजल्ट आया या जो परफॉर्मेंस हुई वो उससे बहुत नीचे की रह गई, तो वो असफलता हो गई, ठीक है, फेलियर है, तो वो डैमस्किप हो गया, टोटल फेलियर, ठीक है। एक घर की कहानी बताता हूं। दो कपल्स थे, नई नई शादी हुई, ठीक है, तो जो वाइफ थी उसको खाना आना बनाना ज्यादा आता जाता नहीं था, ठीक है, तो वो रोटी बनाती थी तो वो पूड़ी बन जाती थी, पूड़ी बनाती थी तो क्या नाम, हलवा तो नहीं कहूंगा लेकिन मान लो वो पिज्जा बन गया, ठीक है, ऐसे ही उसका था। तो उसने एक दिन पूछा क्या शाम को खाने में क्या खाओगे, तो उसने कहा कि, हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, कुछ हल्का खाने का मन है तो रोटी वोटी छोड़ो, चावल का कुछ बना लो, ठीक है। तो उसने कहा कि चावल का क्या बना दें, पुलाव बना दें, खीर बना दें, खिचड़ी बना दें, तहरी बना दें, क्या बना दें। तो हस्बैंड को पता था ये जो बनाने जाएगी वो इसे बनेगा तो है नहीं, बनेगा तो जो भी वो अपनी मर्जी से बनेगा, खाना बनाने से आता नहीं है, ठीक है, तो मैं इससे कह दूं कि तू ये बना दे तो कोई जरूरी थोड़ी ये बनाई देगी, ये बनेगा तो इससे कुछ और ही, ठीक है। तो उसने हस्बैंड से कहा कि भाई क्या बना दें, तो उसने कहा कि चावल का बना दो, तो उसने ऑप्शन दे दिए कि पुलाव बना दें, खीर बना दें, तहरी बना दें, खिचड़ी बना दें, ठीक है, क्या बना दें। तो हस्बैंड ने कहा तू एक काम कर ले, तू जाके बना ले पहले, फिर जब बन जाएगा तो बाद में नाम रख देंगे। समझ आया? तो उसने कहा कि तू पहले बना ले, नाम बाद में रख लेंगे, क्या बन गया उसी हिसाब से नाम रख देंगे। तो डैम स्किप का मतलब है कि फेलियर, कि हमने सोचा कुछ, हमने करना चाहा कुछ लेकिन हुआ कुछ, ठीक है, ओके, कह रहा है ये तो मेरी कहानी है। चलो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, उसको अपनी कहानी याद आ गई। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी बातें फेंकना,
लोग नहीं कहते फेंकने वाले, ठीक है, एग्जेजरेट करना, बात का बतंगड़ बना के बताना, बहुत लंबी लंबी बातें फेंकना, ठीक है। तो ड्रॉ द लॉन्ग वो का मतलब ये रहा, टू एग्जेजरेट, ठीक है। टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, पुल द वूल ओवर समवन्स आइज का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, धोखा देना, ठीक है। हिंदी में एक मुहावरा होता है आंख में धूल झोंकना, आप इसको उससे रिलेट कर लो, ठीक है। टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज का मतलब होता है कि आंख में धूल झोंकना, किसी की आंख में धूल झोंकना। टू मेक समवन रियलाइज द ट्रुथ, टू मेक समवन बिलीव इन अ र्यूमर, टू इंप्रेस समवन इजीली, टू ट्रिक समवन टू हाइड द ट्रुथ, टू ट्रिक समवन, टू मेक समवन रियलाइज द ट्रुथ, ये आंसर, टू ट्रिक समवन, किसी को बेवकूफ बनाना सच को छुपाने के लिए, कि वो सच ना जान जाए, ठीक है, मतलब सच पे पर्दा डालने के लिए, किसी पर्सन को कोई इधर उधर की कहानी बता देना बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। इन अ ब्राउन स्टडी, टू बी इन अ ब्राउन स्टडी एक्चुअल में पूरा होता है, टू बी इन अ ब्राउन स्टडी, टू बी इन अ ब्राउन स्टडी का मतलब होता है बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ होना, बहुत डीप स्टडी करना, ठीक है, इसको कहते हैं। चलो आंसर बताओ भाई, टू बी इन अ ब्राउन स्टडी, टू बी इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है टू बी लॉस्ट इन डीप थॉट्स, बहुत डीप स्टडी करना किसी चीज की, आंसर बताओ। टू बी अब्सॉर्ब्ड इन वन्स थॉट्स, यही आंसर है, लेकिन फिर भी आगे वाले पढ़ लेते हैं। टू बी टू बिजी इन प्लानिंग फॉर वन्स फ्यूचर, ना। टू स्टडी एन इररिलेवेंट सब्जेक्ट, ना। नॉट टू बी एबल टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन वन्स स्टडीज, ना, ये आंसर। टू बी अब्सॉर्ब्ड इन वन्स थॉट्स, बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ होना, टू बी लॉस्ट इन वन्स थॉट्स, ठीक है। द सिमरिंग टेंशन ऑफ द लास्ट फ्यू डेज केम टू अ हेड, फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाना, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे आ जाना कि पानी सर तक आ जाना। अब देखो, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर नो रिटर्न वाज पॉसिबल, ये आंसर हो सकता है, फिर भी आगे वाले पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सिचुएशन रीच्ड अ पॉइंट ऑफ क्राइसिस, ये एक्जेक्टली मीनिंग, केम टू हेड का मतलब पानी सर तक आ जाना, मतलब क्राइसिस की स्थिति तक आ जाना किसी चीज का। A point where a consensus was reached, नहीं। The ultimate point where goal was achieved, नहीं। When a situation reached a point of crisis, come to head का मतलब पानी का सर तक आ जाना। अब पानी का सर तक आ जाने का मतलब आप समझते ही हो कि कोई समस्या जो है वो इस स्थिति में आ जाने कि वो क्राइसिस हो जाए, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। To keep at bay, to keep at bay का मतलब क्या बच्चे? कीप एट बे का मतलब होता है दूर, दूरी रखना। बे देखो होता है ना, खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल, सुना है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे का मतलब होता है खाड़ी, तो जैसे मान लो कोई मेनलैंड है, ठीक है, कोई जमीन है, ये लैंड है, ये कोई देश है, और ये समुद्र है पूरा, यहाँ पे कोई बे है, ठीक है। तो ये लोग दुश्मन आ रहे हैं इन पे अटैक करने, तो इन्होंने क्या कर रखा है, दुश्मन को बे पर ही रोक रखा है, मतलब उसको मेन लैंड में एंट्री नहीं करने दे रहे, ठीक है, उसको वहीं पर रोक रखा है, तो इसको कहते हैं कीपिंग समवन एट बे। तो कीपिंग समवन एट बे का मतलब होता है किसी को दूर रखना, ठीक है, अपने पास पहुंचने से, जिससे कि वो आपको नुकसान कर पाए, अटैक कर पाए, इतने पास आने से उसको रोक के रखना। टू प्रिवेंट फ्रॉम अप्रोचिंग और हैविंग एन इफेक्ट, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, टू रिटेलिएट विद इमेंस फोर्स एंड रिपल्स अ डेंजर, टू प्रिडिक्ट अ पॉसिबल अटैक, टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, उचित दूरी, सुरक्षित दूरी बना के रखना किसी से, ये आंसर हो गया। अगला देखो, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो सकता है, सारे लोग बताएं गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो सकता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो सकता है, चलो एक तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा ग्लिब, एक वर्ड सुना होगा इलोक्वेंट, एक वर्ड सुना होगा आपने ऑरेटर, ठीक है। तो जैसे ग्लिब है, इलोक्वेंट है, ऑरेटर है, इनका मतलब क्या होता है, एक बार ये बताओ। एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा बोलता, कुशल वक्ता, तो जो बहुत अच्छा बोलता उसको हम कहते हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ऑरेटरी स्किल, ठीक है।
अच्छा बोलने की कला, इलोक्वेंस, इलोक्वेंस, ठीक, फ्लुएंसी इन एंड अट्रैक्टिव मैनर ऑफ स्पीच, ये आंसर हो सकता है, फिर भी आगे वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स नहीं, अबंडेंस ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं, पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं, ये रहा। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है अच्छा बोलने की कला। हिंदी में एक शब्द होता है, अगर आप जान पाओ, देखो हिंदी में एक शब्द होता है वाक्पटुता, ये वाक्पटुता, अच्छा बोलने की कला। अगला देखो, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब किसी की बात को सुनना लेकिन पूरा मानना नहीं, पूरा भरोसा नहीं करना, ठीक है, तो किसी बात को सुनना लेकिन उसको पूरा मानना नहीं, पूरी बात पे भरोसा नहीं करना, डाउट करना कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, आधे सच बता रहा है आधा झूठ बता रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं टेकिंग और लिसनिंग टू समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब नॉट टू बिलीव कंप्लीटली, किसी बात को पूरा भरोसा नहीं करना, पूरा विश्वास नहीं करना, ठीक है। अब आंसर देखो, ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या दे रखे हैं, टू डाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, हो सकता है, फिर भी पढ़ लेते हैं, टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू डील विद समथिंग, टू एंजॉय द सिचुएशन, टू शो लिटिल इंटरेस्ट इन समथिंग, पहले वाला, टू डाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज के सच होने पे डाउट करना, मतलब इस बात पे डाउट करना कि ये जो बताया गया है, ये कहा गया है, ये सच है कि झूठ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं टेकिंग समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ए ए। अगला देखो, हिज कॉमन प्लेस आर्गुमेंट्स फेल टू कट एनी आइस विद द इंटरव्यूअर्स, टू कट आइस विद समथिंग का मतलब होता असर करना, प्रभाव करना, ठीक है, बाकी आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से भी मीनिंग निकाल ही सकते हैं कि किसी पे प्रभाव डालना, असर करना, फेल टू कन्विंस, फेल टू गेट एनी फेवरेबल रिस्पॉन्स, फेल टू एंड द डेडलॉक, फेल टू इंप्रेस और इन्फ्लुएंस, ठीक है, हिज कॉमन प्लेस आर्गुमेंट्स फेल टू कन्विंस, फेल टू इंप्रेस और इन्फ्लुएंस, ये दोनों मुझे सेम से लग रहे हैं, फेल टू कन्विंस द इंटरव्यूज, कन्विंस ही मान लीजिए, हाँ यही, फेल टू कट आइस विद समवन का मतलब होता है कि किसी को अपनी बात समझा पाने में, मना पाने में असफल हो जाना, चलो तो ये हो गया।